बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक टर्म है जो कि आइसोलेट किया गया था। ये कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। देवर आइसोलेटेड इन 1869 by F. Meester from the nuclei of pus cells. 1869 में F. Meester नाम के एक साइंटिस्ट ने इन मॉलिक्यूल्स को पस सेल के न्यूक्लियस से अलग किया था, आइसोलेट किया था। आइसोलेशन मीन अलग करना, सप्रेशन करना, और न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा को कहते हैं। और पस सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें पीप भरी हुई होती है या फिर लिक्विड भरा हुआ होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ ये मोस्टली मौजूद होते हैं। तो पस सेल्स के न्यूक्लियस से इन्हें अलग किया गया था। दे वर नेम्ड आफ्टर आइसोलेशन फ्रॉम द न्यूक्लियाई एंड देयर एसिडिक नेचर। इन्हें न्यूक्लिक एसिड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें न्यूक्लियाई से अलग किया गया था और इनकी नेचर एसिडिक थी। इन ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, इन्हें न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। There are two types of nucleic acid. Nucleic acid की दो types होती हैं, एक deoxyribonucleic acid या जिसे DNA भी कहते हैं, और ribonucleic acid या जिसे RNA भी कहते हैं। साइड पे हमें deoxyribonucleic acid DNA की डायग्राम दी हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दो स्ट्रैंड मौजूद हैं और RNA में सिंगल स्ट्रैंड मौजूद है। यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन मौजूद है, यानी कि ये जो स्ट्रैंड होता है इसमें एक शुगर प्लस फॉस्फेट का स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि थ्रू आउट ऐसे ही मौजूद है। इसी तरह इसमें भी एक बैकबोन मौजूद है, और इसके अलावा इनमें नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं जो कि तीन सेम होती हैं, लेकिन DNA में थायमिन और RNA में यूरासिल होती है। DNA अकर्स इन क्रोमोसोम्स, इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स एंड इन मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। DNA की बात की जाए तो मोस्टली हम यही समझते हैं कि सेल का सारा DNA न्यूक्लियस में मौजूद होगा और क्रोमोसोम बनाएगा, लेकिन कुछ मकदार जो बहुत ही कम अमाउंट में होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होती है। यहाँ पर DNA अपना सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करता है, जो फोटोसिंथेसिस जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है और रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मौजूद होता है। और ये इंडिपेंडेंटली ये दोनों ऑर्गेनेल्स अपने अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो तमाम मोस्ट ऑफ दी DNA है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये सेल के ओवरऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। RNA, it is present in nucleolus. Nucleolus, nucleus के अंदर एक बॉडी होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होती है। इन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स में भी पाया जाता है। इन साइटोसोल, साइटोसोल में भी पाया जा रहा है। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं जो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों तरह के सेल्स में मौजूद होती हैं, और इनका काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। तो ये राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं। साइटोसोल इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इसमें भी कुछ मिकदार RNA की पाई जाती है। इसके अलावा सेल्स की दूसरी ऑर्गेनेल्स या दूसरे हिस्सों में जहाँ जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहाँ पे RNA की कुछ ना कुछ मिकदार पाई जाएगी, क्योंकि DNA को पहले RNA में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ट्रांसक्राइब करने के बाद RNA को राइबोसोम ट्रांसलेट करते हैं और फिर प्रोटीन बना देते हैं। इसलिए जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होगा वहां पर RNA मौजूद होंगे। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनमें जो यूनिट्स इन्हें बनाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर्स बनाते हैं सब यूनिट्स के, यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक चेन नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे, एक चेन बनाएंगे और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स के तीन हिस्से होते हैं, एक 5 कार्बन मोनोसैकेराइड,
पेंटोज शुगर होती है, और इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन मेन कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों इस पेंटोज शुगर के साथ अटैच होते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। पेंटोज शुगर की बात की जाए तो पेंटोज शुगर जो डीएनए में पाई जाती है या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है, वो डी ऑक्सी राइबोज होती है। और अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो एक स्केच दिया गया है न्यूक्लियोटाइड का, इसमें ये हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा एक पेंटोज शुगर है, ये शुगर डी ऑक्सी राइबोज है क्योंकि इसके सेकंड कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन कम है, और राइबोज शुगर में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है हाइड्रोजन की निस्बत। तो ये ऑक्सी राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस का आपस में डिफरेंस है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस इनके साथ अटैच हुई होती है जो कि डिफरेंट हो सकती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्योरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास पाई जाती हैं। एक प्योरिन्स है, प्योरिन्स आर द डबल रिंग, ये डबल रिंग रखती हैं, और एडनिन एंड गुआनिन आर द प्योरिन्स, दे आर ए एंड जी। इनको हम ए और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडनिन को ए से, गुआनिन को जी से, और ये दोनों ही डबल रिंग हैं यानी कि ये प्योरिन्स हैं। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक 6 कार्बन रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है, और ये दोनों रिंग्स आपस में मिलके एक एडनिन बना रही हैं। इसी तरह गुआनिन भी इसी तरह इस मौजूद है और ये दोनों आपस में रिंग बना रहे हैं। अब ये फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी हमने इनका याद करना होता है। अगर हम देखें तो 5 रिंग दोनों में सेम है, 5 रिंग में कोई चेंज नहीं है, और इसी तरह नीचे बेस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज आता है सिर्फ इन कार्बन्स पे। यहाँ पे 1, 2 और ये तीन कार्बन्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एडिनिन में NH2 ग्रुप लगा होता है और यहाँ पर सेकंड में N मौजूद है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे ही मौजूद रहते हैं। जबकि पायरिमिडिन्स की बात की जाए तो सिंगल रिंग्ड हैं ये, इनमें साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल आती है। पायरिमिडिन्स में सिंगल रिंग्स हैं, ये 6 कॉर्नर रिंग होता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इनमें भी एक नीचे वाली साइड पे कोई चेंज नहीं है, इनमें नीचे कोई चेंज नहीं है, और ये यहाँ पर इनके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज इन 3 कार्बन्स के ऊपर आता है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है। फॉस्फोरिक एसिड, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिवेल्प एस्टर लिंकेज विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। इसमें पेंटोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एस्टर लिंकेज बनाने की एबिलिटी पाई जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये इस शुगर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये वाला 3rd कार्बन के ऊपर, इसके साथ ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच होकर एस्टर लिंकेज बना सकता है। न्यूक्लियोसाइड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जब बेस के साथ अटैच होती है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाती है, और फिर इनके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाता है। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक राइबोस शुगर है, राइबोस इसलिए कि इसके सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब राइबोस शुगर के ये 1 कार्बन 1st कार्बन है, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन है। 1st कार्बन के साथ एक बेस अटैच हो जाती है जो कि प्योरिन या पायरिमिडिन में से कोई भी हो सकती है, और ये न्यूक्लियोसाइड बना देती हैं। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप अगेन अटैच हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा इन टू द न्यूक्लियोटाइड। जो एक टिपिकल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें बेस कार्बन के साथ अटैच होती है फर्स्ट वाले, और फॉस्फोरिक एसिड 5th कार्बन जो कि चेन इस रिंग से बाहर मौजूद है उसके साथ अटैच होता है।
डी ऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर में डिफरेंस ये है कि वन ऑक्सीजन इज लैकिंग एट कार्बन टू. डी ऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर सेम होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑक्सी राइबोस में यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं होती सेकंड कार्बन पे, जबकि राइबोस में एक ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम इसको डी ऑक्सी कहते हैं, यानी कि वन ऑक्सीजन इज एब्सेंट. फिर इसके बाद हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर आ जाता है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियोटाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पे एक्ट करता है. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई मीन के इसमें तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले हमारे पास एक राइबोस शुगर है पेंटोज, उसके फर्स्ट कार्बन के साथ एडिनिन लगी हुई है और एडिनिन में हमने फार्मूला जो है वो देख लेना है कि फाइव कॉर्नर रिंग की साइड से ये अटैच है और सिक्स कॉर्नर रिंग बाहर की जानिब है. दूसरी तरफ इनके साथ थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं. इन फॉस्फेट ग्रुप्स में आपस में बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है इस जगह पर, और जैसे ही ये एक यहाँ से टूटेगा बोन तो ये एडीपी एडीनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा इतना हिस्सा, और बाकी का जो हिस्सा होगा वो अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी जिसको यूज़ करके हम अपने सेल की एक्टिविटीज सर अंजाम देंगे. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर जल्दी अपलोड करेंगे. खुदा हाफिज़.